गरीबों का हक आखिरकार कब तक मारा जाएगा? कब तक प्रतापगढ़ की पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी रहेगी? टेम्पू नंबर एक भैया ये देख लीजिए, एक टेम्पू हो गई। टेम्पू नंबर दो है साहब, ये देख लीजिए, उसके बगल खड़ी है टेम्पू नंबर तीन साहब। ये सब आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर यथावत छोड़ते हैं। ये तीन नंबर हो गई साहब, देखते जाइए, ये टेम्पू नंबर चार हो गई, ये टेम्पू नंबर पाँच हो गई साहब, ये टेम्पू नंबर छः हो गई, और साहब देख लीजिए, ये टेम्पू नंबर सात हो गई, और ये हो गई टेम्पू नंबर आठ साहब, और ये हो गई टेम्पू नंबर नो साहब। ये टेम्पू वाले देखिए, कुछ बच्चियां हैं, ये बताइए, ये आप लोगों को सुरक्षित छोड़ते हैं कि नहीं? एक किसान से दूसरे किसान तक छोड़ते हैं ना? हाँ। आप लोग तभी समय से पढ़ पाते होंगे, लिख पाते होंगे, हाँ। समय से विद्यालय जा पाते होंगे, हाँ। सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? इनसे अवैध वसूली होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। गरीब आदमी से नहीं होनी चाहिए ना? नहीं होनी चाहिए इनसे वसूली? नहीं। किराया महंगा कर देंगे, ये बताइए, अवैध वसूली होनी चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए अवैध वसूली होनी चाहिए? नहीं होना चाहिए। इसका मतलब पुलिस विफल है कि नहीं है? नहीं। मतलब प्रतापगढ़ पुलिस विफल है ना भैया? जी जी। तभी अवैध वसूली चल रही है। कहो चाचा वकील साहब है, ये बताइए, अवैध वसूली चलने का मतलब है ना कि पुलिस व्यवस्था? पुलिस व्यवस्था फेल है। पुलिस व्यवस्था अच्छे ढंग से फेल है? और फेल है ना भैया पुलिस व्यवस्था? हाँ सही। भैया पुलिस व्यवस्था फेल की नहीं? जी। रोक के चलान कर रहे हैं गाड़ी का 17,000-20,000, हम लोग 20,000 महीना में नहीं कमा पा रहे हैं। हाँ साहब, धड़ल्ले के साथ 20,000 रुपए चलान मारा जाता है, लेकिन ये 20,000 रुपए कमा पाते होंगे कि नहीं कमा पाते होंगे? क्यों साहब, कितने लोगों को बिठा सकते हैं आप लोग ऑटो में? आठ आदमी से ज्यादा नहीं आएंगे, किसी भी आप बैठा दीजिए, 8 से 10 होंगे, 11 नहीं हो पाएंगे। अच्छा, एक टेम्पू में कुछ दिन पहले यही हादसा हुआ था, उसमें 16 लोग थे, लेकिन उसके बाद खूब चालान काटे पुलिस वाले। जो आरी बगल के मर गए हैं, उसको भी उसी में जोड़ दिए कि 17 बैठे हैं। किसी भी ऑटो में आप बैठा के दिखा दीजिए, 17 बैठा पाएंगे। अरे चाचा एक मिनट तो सुन लीजिए, ये बताइए, आप लोगों से अड्डों पर अवैध वसूली होती है कि नहीं होती है? होती है ना? देख लीजिए, कितनी लेते हैं महीने का? कितने लेते हैं महीने का? जिससे जो पाते हैं वो लेते हैं। जिससे जो पाते हैं लेते हैं, मतलब साहब पुलिसिया व्यवस्था बिल्कुल विफल है। कभी योगी जी ने एक आदेश दिया था यातायात सुरक्षा को लेकर कि कभी कोई ना तो प्राइवेट अड्डा चलेगा, ना तो गुंडा टैक्स वसूला जाएगा, लेकिन साहब योगी जी के बातों का कैसे प्रतापगढ़ में खंडन किया जा रहा है? और जो प्रतापगढ़ की पुलिसिया व्यवस्था है, और चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस से लेकर बड़े बड़े सिपाही खड़े रहते हैं, लेकिन कोई इस टैक्स को रोकने के लिए एक कदम भी आगे नहीं आ रहा है। गुंडा टैक्स धड़ल्ले के साथ वसूला जा रहा है। कल लगातार लालगंज में बवाल मचा रहा है, टेम्पू वालों ने सामूहिक रूप से इसका विरोध किया और आज ज्ञापन एसपी साहब को दिया है, लेकिन साहब कोई सुनने को तैयार नहीं है। टेम्पो चालक फिर भी परेशान है, एक बार लाइन से दिखा देंगे साहब, देख लीजिए, एक एक करके देख लीजिए साहब, यहाँ से वहाँ तक टेम्पूएँ लगी हुई हैं, लेकिन कुछ लोग हैं, आखिरकार इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि टेम्पू में कितने लोगों को बैठाना अलाउ है और कैसे ये कितनी दिक्कतें झेल रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? सचिन सिंह। सचिन भाई, क्यों आप लोग कल इकट्ठा हुए, क्यों बवाल मचा हुआ है? ये हम लोग गरीब आदमी हैं, टेम्पू लिए हैं, हाँ? और ये गुंडागा चल रहा है, चलने नहीं दे रहे हैं, हाँ? हम लोग निवेदन कर रहे हैं सरकार से कम हमारे लोग की सुनवाई हो। अच्छा? अभी हम लोग लालगंज गए थे, हाँ? सब अधिकारियों से बात किए, हाँ? वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई, बस समझा के हटा दिया गया है। अच्छा? लीलापुर वाले भी ऐसे समझा जा के हटा दिया गया है, कोई हमारे लोग की सुनवाई नहीं। हम लोग गरीब आदमी है, कहाँ जाएं? हम लोग बहुत परेशान है। हम लोग ये देखिए धरना रख रहे हैं कि हम लोग कमाए ना, लड़के बच्चे कहाँ से पढ़ाई करें। अच्छा? हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। हमारे लोग की बस ये दरखास्त है कि योगी बाबा जी से कि हमारे लोग की सुनवाई हो, हाँ? और आगे कार्रवाई हो, बहुत परेशान है। क्यों, कितना पैसा वसूला जाता है? अगर आपको बात करें महीने में तो कितना पैसा वसूला जाता है? लालगंज में 600 रुपए है, प्रतापगढ़ में 600 रुपए है। अच्छा, मतलब प्रतापगढ़ अड्डे पर भी 600 रुपए आपसे महीना लिया जाएगा अड्डे के नाम पे, और लालगंज में भी अड्डे के नाम पे 600 रुपए हर टेम्पू वाले से लिया जाएगा? जी जी जी, यही। और प्रतिदिन 10 रुपए अलग से लिया जाएगा? वो लिया जाता था, लेकिन अभी कोई मतलब नहीं है, बंद हो गया है। अच्छा, वो कोई मतलब नहीं, लेकिन बहुत मार पीट रहे हैं, हाँ? हर चीज हंगामा कर रहे हैं, हाँ? हमारे पास एक वीडियो भी है। अच्छा, हम पब्लिक को मारते पीटते हैं, गाली गुप्ता भी देते हैं, हाँ? हमारी सरकार से बहुत गुराइश है, हाँ? लेकिन अब यही सब चीज है। अच्छा, जो आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक साफ सुरक्षित छोड़ते हैं, वही सुरक्षित नहीं है, उनके साथ अवैध वसूली और गुंडा टैक्स धड़ल्ले से लिया जा रहा है? हाँ, खुलेआम लिया जा रहा है, मारते भी हैं, पीटते भी हैं, गाली गुप्ता भी देते हैं। अच्छा, बहुत दबाव मारते हैं, और वो ये भी कहते हैं कि अगर हमारे रोड पे आ रहे हो तो जूता बाजार भी करेंगे हम। अच्छा, जूता बाजारी होगी? जूता बाजारी खुलेआम होगी, मतलब पुलिस को कोई नहीं डरता है? पुलिस को कोई नहीं डर रहा है, खुलेआम पुलिस वालों को चैलेंज है। खुलेआम गुंडई है, कहते हैं खुलेआम की अगर हमारी कार्रवाई कर लीजिए, हम तो जाने, धमकी भी देते हैं हम लोग को, लेकिन हम लोग बस सरकार से ये निवेदन कर रहे हैं, हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएं? गरीब आदमी साहब जाए तो जाए कहाँ? अब टेम्पू गिना दें आपको, आइए थोड़ा सा देख लीजिए, एक टेम्पू वालों की बात नहीं है ये भी साहब जो टेम्पू चला के जा रहे हैं, इनसे भी अवैध वसूला जाता है कि नहीं? रुको जरा, रुक जाओ,
एक मिनट रुको, यहाँ पे रुक जाओ भाई, ये बताइए जिस अड्डे से चलाते होंगे अवैध वसूला जाता है कि नहीं? बिल्कुल वसूला जाता है जी जी, वसूला जाता है ना? हाँ, जबरदस्ती वसूला जाता है, मारते हुए गाली देते हैं। कितना लेते हैं महीने का? 400 रुपए ले लेते हैं जबरदस्ती, 500 रुपए ले लेते हैं, जिसका जो मूड होता है उतना ले लेता है हर अड्डे पे, यही कहानी। हाँ बिल्कुल यही साहब यथार्थ है, देख लीजिए। अब और दिखा दे सत्यता आपको, लोगों की लगातार कार्रवाई चल रही, लोग आवाजाही मची हुई है। टेम्पू नंबर एक भैया ये देख लीजिए, एक टेम्पू हो गई। टेम्पू नंबर दो है साहब ये देख लीजिए, उसके बगल खड़ी है टेम्पू नंबर तीन साहब। ये सब आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर यथावत छोड़ते हैं। ये तीन नंबर हो गई साहब, देखते जाइए। ये टेम्पू नंबर चार हो गई, ये टेम्पू नंबर पाँच हो गई साहब, ये टेम्पू नंबर छः हो गई, और साहब देख लीजिए ये टेम्पू नंबर सात हो गई, और ये हो गई टेम्पू नंबर आठ साहब, और ये हो गई टेम्पू नंबर नौ साहब। ये टेम्पू वाले देखिए कुछ बच्चियां हैं, ये बताइए ये आप लोगों को सुरक्षित छोड़ते हैं कि नहीं? एक स्थान से दूसरे स्थान तक छोड़ते हैं ना? हाँ। आप लोग तभी समय से पढ़ पाते होंगे, लिख पाते होंगे, हाँ। समय से विद्यालय जा पाते होंगे, हाँ। सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? इनसे अवैध वसूली होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, गरीब आदमी से नहीं होनी चाहिए ना? नहीं होनी चाहिए इनसे वसूली, नहीं। किराया महंगा कर देंगे, ये बताइए अवैध वसूली होनी चाहिए? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अवैध वसूली होनी चाहिए? नहीं होना चाहिए। इसका मतलब पुलिस विफल है कि नहीं है? नहीं। मतलब प्रतापगढ़ पुलिस विफल है ना भैया? जी जी, तभी अवैध वसूली चल रही है जी। कहो चाचा वकील साहब है, ये बताइए अवैध वसूली चलने का मतलब है ना कि पुलिसिया व्यवस्था फेल है? पुलिसिया व्यवस्था अच्छे ढंग से फेल है, और फेल है ना भैया पुलिसिया व्यवस्था? हां सही है भैया, पुलिसिया व्यवस्था फेल की नहीं जी? यही के अच्छा होनी चाहिए अवैध वसूली गरीबों से? नहीं। हाँ भैया अब बिल्कुल वसूली नहीं होना चाहिए। अभी चोटिल हुए हैं? बिल्कुल चोटिल हुए हैं, 17,000-18,000 का चलान कर रहे हैं, 5 सवारी ज्यादा नहीं ले जाने दे रहे हैं, हाँ। बताइए हम लोग कैसे जिएंगे भाई? अच्छा गैस डलवाएं कि इसमें अपना परिवार चलाएं, क्या करें भाई बताइए आप लोग? जहाँ देखिए रोक के चलान कर रहे हैं गाड़ी का 17,000-20,000, हम लोग 20,000 महीना में नहीं कमा पा रहे हैं। हाँ साहब, धड़ल्ले के साथ 20,000 रुपए चलान मारा जाता है, लेकिन ये 20,000 रुपए कमा पाते होंगे कि नहीं कमा पाते होंगे? क्यों साहब, कितने लोगों को बिठा सकते हैं आप लोग ऑटो में? आठ आदमी से ज्यादा नहीं आएंगे, किसी भी आप बैठा दीजिए, 8 से 10 होंगे, 11 नहीं हो पाएंगे। हाँ। अच्छा एक टेम्पू में कुछ दिन पहले यही हादसा हुआ था, उसमें 16 लोग थे, लेकिन उसके बाद खूब चलान काटे पुलिस वाले। जो आरी बगल के मर गए हैं उसको भी उसी में जोड़ दिए कि 17 बैठे हैं, किसी भी ऑटो में आप बैठा के दिखा दीजिए 17 बैठा पाएंगे। अरे चाचा एक मिनट तो सुन लीजिए, ये बताइए आप लोगों से अड्डों पर अवैध वसूली होती है कि नहीं होती है? होती है ना? हाँ। देख लीजिए तो कितनी लेते हैं महीने का? हाँ भैया आगे ना, कितना लेते हैं महीने का? जिससे जो पाते हैं वो लेते हैं, जिससे जो पाते हैं लेते हैं। मतलब साहब पुलिसिया व्यवस्था बिल्कुल विफल है, ये देख लीजिए किनारे आ जाएंगे, ये रोड है साहब, इससे कई लोग आ जा रहे हैं, लेकिन कोई भी एक अधिकारी, कोई भी पुलिस का एक अधिकारी या थाना अध्यक्ष किसी के प्रति कड़ी कार्रवाई नहीं कर सकता है। क्या लगता है भैया गुंडा वसूली? यही बोलना चाहते हैं हाथ जोड़ के, कि हम गरीब हैं, जितना मारना हमको मार लो, ठीक है? हम लोगों से हर चीज का पैसा लिया जाता है, ठीक है? कोई बोलता है हमको महीने का 200 दे दो, महानंद वहाँ लेते हैं पैसा, लालगंज में हमारे वहाँ डेरुआ में लिया जाता है, डेरुआ में अशोक तिवारी जी हैं, वो 20 रुपया डेली लेते हैं, मतलब 600 रुपया महीना, ठीक है? बाकी 5 सवारी भैया हम अपना घर परिवार पालें या बच्चों को पढ़ाएं या चोरी चमारी करें, लेकिन ईमानदार आदमी है भाई, मेहनत कर रहे हैं भाई, बीटेक किया हूँ फिर भी ऑटो चला रहा हूँ, नौकरी नहीं। बीटेक पास है? हाँ भैया 5 साल नौकरी बता रहा भैया, आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा ये देखिए साहब आपके जैसे यही है बेरोजगारी का आलम की एक बीटेक किया हुआ लड़का इंजस्ट ऑफिसर था, दिखा रहा हूँ आपको, इंजस्ट ऑफिसर था मुंबई में, आपको आईडी दिखा रहा हूँ। अच्छा हाँ गलत बात नहीं, ये देखिए सहारा समय न्यूज चैनल का देख लीजिए साहब, अभी तो हैं ये, पहले पत्रकार थे फिर बता रहे हैं कि बीटेक भी किए हुए हैं, बीटेक किए हुए हैं और अब साहब ये टेम्पू चला रहे हैं। टेम्पू इसलिए चला रहा हूँ, कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी इसलिए चला रहा हूँ, लेकिन भाई जीने खाने नहीं दिया जा रहा है, सब कुछ देख लिया हूँ, जीने खाने नहीं दिया जा रहा है। 5 सवारी में आप लोग खुद सोचो कि हम भी 5 सवारी है, 600 रुपए
अभी आप देख लीजिए, अभी आप देख लीजिए गाड़ी में चारे सवारी है। टैक्स मांग रहे हैं, लालगंज में देखो वहाँ 500-500 रुपए मांग रहा है। महानंद करके है, महानंद तिवारी करके है, ब्राह्मण है वो मांग रहा है। यहाँ अजय सिपाही होम गार्ड है वो मांग रहा है सबसे, टेम्पू वाले 500-500 रुपए दो, नहीं चलने नहीं दिया जाएगा भैया। हम लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, 500-500 रुपए 600-600 रुपए ले रहे हैं, हाँ 1000-1000 रुपए। चलिए साहब ये तो हम बंद करो, ये देखिए साहब गरीबों को इंसाफ, ये गरीबों का हक आखिरकार कब तक मारा जाएगा, कब तक प्रतापगढ़ की पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी रहेगी। आखिरकार जो गुंडा टैक्स लेते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, तो अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिएगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अल्लाह बहुत प्राइम कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ, मैं अतुल तिवारी, जय हिंद जय भारत, जिंदाबाद।